हेलो एवरीवन सो वेलकम टू एम बी बी एस डायरीज एंड आज जिस दिन का आप ब्लॉग देख रहे हो वो दिन है थर्सडे अपलोड हालांकि ये फ्राइडे को हो रहा है बट ये थर्सडे का ब्लॉग है अब मैं आपको बताती हूँ मुझे ना दो दिन से अच्छे नींद नहीं आ रही है लाइक रात को मुझे अच्छे अच्छे सपने नहीं आते बुरे बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से नींद खुल जाती है तो यही हुआ मुझे बार बार नींद खुल रही थी एंड फाइनली पाँच बजे मैं उठ गई थी ठीक है तो ये जो मैंने आपको फाइव फोर्टी सिक्स का टाइम दिखाया ना ये तो मैंने ये दिखाया है आपको कि 5:46 तक भी बहुत अंधेरा ही था मैं नहा के आ गई थी मैंने योगा कर लिया था बट पूरा अंधेरा था थोड़ा थोड़ा रोशनी फिर बाद में हुई एंड मैं मुझे पता ये फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ रोशनी नहीं हुई है तब तक मैं वीडियो भी नहीं बना सकती थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी है ना तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि 5:46 तक भी लाइक फोर्टी सिक्स मिनट्स मुझे उठे हुए हो गए थे मैंने योगा 20 मिनट कर लिया था नहा के आ गई थी एंड और कुछ करने के लिए था ही नहीं फिर फाइनली ये गेट रेडी विद मी बनाना था मुझे इसलिए मैं सूर्योदय का वेट कर रही थी तो फिर जैसे ही सनलाइट आई मैंने वीडियो वगैरह बनाई एंड एक और चीज़ मैंने योगा भी इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था और कमरे की लाइट ऑन करके बनाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे ना कमरे की लाइट ऑफ करके फिर मतलब नेचुरल लाइट में योगा करनी थी तो फिर इसलिए मैंने आ, स्किप किया कि वीडियो क्या बनाना डेली डेली इसलिए योगा मैंने की थी एंड मैं देखो मुझसे जब तक होगा तब तक तो मैं योगा करूंगी उसके बाद रेडी वगैरह हो गई थी मैं एंड निकल चुकी थी मैं मेस के लिए और थर्सडे का दिन था तो भैया मेस के लिए तो बहुत जल्दी से निकली थी मैं और भूख भी बड़ी जोरों से लगी हुई थी मौसम भी अच्छा था हो रखा है एंड धीरे धीरे तो यार अभी जो सनराइज़ है वो और लेट हुआ करेगा तो ये सुबह का गेट रेडी विद मी जो मैं शूट करती हूँ ये मैं नहीं कर पाऊँगी अब इसके लिए कुछ और मुझे निकालना पड़ेगा उपाय एनी वेज इतना टेस्टी इतना यमी ये मुझे ब्रेकफास्ट लगता है ना मतलब आज तो पूरियाँ भी वैसी थी जैसे मुझे चाहिए होती हैं ठीक है सॉफ्ट चाहिए होती हैं मुझे एंड गरम गरम ब्रेकफास्ट और भाई मज़े आगे सही बता दी मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरीों का ब्रेकफास्ट एंड इसीलिए थर्सडे मेरा शुरू ही अच्छे से होता है उसके बाद मैं पहुँची अपने कॉलेज कैंपस के अंदर फुल डे होने वाला है हेक्टिक डे होने वाला है फॉर श्योर sure. लेकिन शुरुआत तो हमने अच्छी खासी कर ही ली है और भी बच्चे हैं जो अपनी अपनी क्लासेस के लिए जा रही हैं एंड सब जूनियर्स हैं ये एग्ज़ाम वाले हैं है ना इनके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी एंड उसके बाद क्लास में पहुंची मैं तो यार मॉर्निंग क्लासेज जो हैं दो क्लासेज होती हैं तो एक क्लास के अंदर हमें पढ़ाया गया था एक्यूट किडनी इंजरी तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो किडनी होती है मतलब हमारी जो किडनी होती है उसमें किस किस तरीके से इंजरी हो सकती है एंड किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक वाइटल ऑर्गन ये हमारे लिए है ना तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी आपके लेवल पे जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आए वो है कि एनसीड्स एनसीड्स क्या होते हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लमेटरी रॉग्स होता है तो इसमें जैसे आपकी कॉमन आई होता है ना, होता है ना जितने भी आपके पेन किलर्स होते हैं ना बेसिकली वो एनसेड्स में आते हैं तो पेन किलर्स अगर हम ऐसे ही मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे और बहुत बहुत ज़्यादा अगर पेन किलर्स को खाएंगे ना तो वो भी हमारी किडनी को डैमेज पहुँचाते हैं मतलब हर एक दवाई का साइड इफेक्ट तो होता ही है तो पेन किलर्स जो हैं वो किडनी के लिए बुरे होते हैं एनी वेज़ दोनों क्लासेस हो गई थी एंड उसके बाद ना ये बस से हमें दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है मतलब बेस जो है ना बेस हॉस्पिटल वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लाइक एक अलग जगह पे बनाया हुआ है तो मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसलिए बस चला रखी है इन लोगों ने तो बस में बैठ के मैं आ गई थी जहाँ हमारी पोस्टिंग्स लगी थी सर्जरी की पोस्टिंग स्टार्ट हुई है आज से तो सर्जरी की हमें ओ डी जाना था एंड मैं ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमने केसेस तो देखे थे बट वो एनल फिशर्स uh, uh, देखे थे तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती आपके लिए है ना तो uh, ये सब एनल फ़िशर्स क्या होते हैं बेसिकली जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हो ना जब आप uh, मतलब आपको कब्ज हो जाती है तो कब्ज़ की वजह से क्या होता है टाइट स्टूल्स टाइट लेटरिन आती है तो जैसे टाइट लेटरिन आती है ना तो वो हमारे एनस के उधर वहाँ पे कट लग जाता है और वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है तो ऐसे में ना ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा फाइबर वाली डाइट खाओ और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा के पहले तो सॉफ्ट होने चाहिए स्टूल्स है ना तो उससे फिशर्स नहीं होंगे और फिशर्स होंगे तो उनमें दर्द नहीं होगा एनी उसके बाद मैं रूम आई थी क्योंकि टाइम बचा हुआ था अभी मैथ्स के लिए तो रूम आई थी एंड थोड़ा बहुत देर बैठी थी मैं एंड निकल बढ़ते वक्त लिपस्टिक मस्त थोड़ी सी लगा ली थी उसके बाद पहुंची मैस एंड मैस में कर जाके किया लंच बहुत भूख लग गई थी मुझे बाय दिस टाइम हालांकि सुबह तो काफ़ी अच्छे से पूरी खाई थी बट यार अभी तो मतलब एक बज एक बज गया है दोपहर तो का सुबह साढ़े सात खाई थी तो भूख तो लगी गई थी तो अच्छे से मैंने अपना आ, लंच जो है वो किया फिर मैं अपनी आफ्टरनून क्लासेस के लिए आई थी तो उसमें एक टॉपिक कवर हुआ था हमारा कार्सिनोमा सर्विक्स तो कार्सिनोमा सर्विक्स क्या होता है फीमेल्स के अंदर हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होती है यूट्रस होता है सर्विक्स होता है वेजाइना होता है तो सर्विक्स का जो कैंसर है ना वो एक ऐसा कैंसर है जिसको प्रिवेंट करा जा सकता है उसके लिए वैक्सीन है ठीक है उसको अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट भी कर सकते हैं तो जितने भी सेक्चुअली एक्टिव फीमेल्स होते हैं ना उनको हर तीन साल में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टैप्स मेयर करके टेस्ट होता है वो करवा लेना चाहिए एनी उसके बाद हमारी जो दूसरी क्लास हुई थी वो हुई थी हेमरेज इन ट्रा क्रीनियल हेमरेज के ऊपर एंड सर ने काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ाया बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो अभी इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी एनी छुट्टी हुई थी फिर और यार बहुत हैक्टिक था आज का दिन एंड मैं तो बड़ा थक गई थी तो बुक्स बुक्स साइड में रखी है एंड फिर मैंने काटे दो एप्पल एंड थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखते देखते और खाए और फिर यार मैं तो थक इतना गई थी ना कि मुझे सुबह पाँच बजे की उठी हुई हूँ मैं तो मैं सो गई थी और यार सो के उठी ना तो देखो अंधेरा हो गया है बाहर आपको दिख रहा होगा भाई बहुत सो गई मैं और मेरा डिनर भी मिस हो गया डिनर मिस हो गया तो उसके लिए मैंने फिर सोचा कि अब भूख तो लगी ही थी इस टाइम तक भूख तो लगी जाएगी और मैंने मतलब इसीलिए मैगी बनाई आपको इस ब्लॉग में ना बहुत सारा खाना 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 दिख गया होगा है ना लेकिन छः मिनट का ब्लॉग है खाने का नाम ज़्यादा ही हो गया इसमें कुछ बट ये मान के चलना भाई चौबीस घंटे की डाइट है ये पूरी एनी थोड़ी देर पढ़ाई भी की थी और अपने जो थोड़े बहुत नोट्स बनाने होते वो बनाए थे और जो मैगी खाई थी उसके बर्तन धो के और फिर मुझे अभी सोना था रात के मतलब एक दो बजे तक मैं सोई थी